जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पुराने वाले ऑडियो एम्पलीफायर को एक नया एक ब्लूटूथ इनबिल्ट स्टीरियो मोड वाला एक ऑडियो एम्पलीफायर बनाने वाले हैं, जिसे आप अपने कार ट्रैक्टर में आपके पास जो भी व्हीकल है आप उसमें यूज कर सकते हो और आप गाने सुन सकते हो। तो दोस्तों, इसमें 4440 IC का एक एम्पलीफायर यूज़ किया है, तो इसका हम वायरिंग कम्प्लीट करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से एक यहाँ पे एक बॉडी हम बनाएंगे और इसे हम कम्प्लीट एक स्टीरियो मोड वाला एक ऑडियो एम्पलीफायर हम बनाने वाले हैं, जिसमें आपको ब्लूटूथ वो सब हम उसमें इनबिल्ट करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप डीजे स्पीकर का पिछला वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार इस टाइप के हर एक वीडियो में हमेशा लाता रहता हूँ, जैसे ऑडियो सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रिकल्स वगैरह वो सब, और टू व्हीलर फोर व्हीलर की जो मॉडिफिकेशन जो रहते हैं उसके ऊपर भी मैं हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसका वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। ठीक है दोस्तों, इस पीस का हमें कुछ काम नहीं है, ठीक है। इसमें इसका कार्ड वगैरह था, लेकिन हम इसमें ब्लूटूथ वाला हम कार्ड लगाने वाले हैं। इसमें ब्लूटूथ वगैरह वो सब आपको नहीं मिलता, तो हम ब्लूटूथ वाला कार्ड हम इसमें लगाएंगे। ओके, तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ, इसका हमें कोई काम नहीं है। तो दोस्तों, हमारा मेन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये बोर्ड, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें 4440 IC का एक ऑडियो एम्पलीफायर वो आईसी हम इसमें यूज़ किया है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हमें दो सेक्शन है। देखो, यहाँ से हमारा ये साइड में हमारा ऑडियो एम्पलीफायर होता है, और यहाँ से ये वाला हमारा बेस ट्रेबल जो फिल्टर होता है, बेस ट्रेबल कंट्रोल का सेक्शन, ये इतना, ठीक है। और ये इतना पावर कंट्रोल इसका, यानी पावर सर्किट, यहाँ पे एक रेगुलेटर ऐसे लगा होता है जो कि 5 वोल्ट यहाँ पे बनाता है कार्ड के लिए। ओके, फिल्टर कैपेसिटर वगैरह, और यहाँ पे आईसी लगे हुए। ओके, तो सबसे पहले हम इसे पहले यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो कनेक्शन है, देखो यहाँ पे इसका वॉल्यूम, ओके वॉल्यूम बेस ट्रेबल का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन पहले हम ये जो वायर है ये वायर हम पहले यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इसका आईसी वगैरह टेस्ट करेंगे, वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ओके, ये पुराना बोर्ड है तो इसका आईसी वगैरह चालू है कि नहीं वो भी हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। तो हम पहले इसका वायरिंग कर लेते हैं यहाँ पे, फिर हम इसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम ये वायर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लोकल टाइप का एक वायर है, इसलिए हम इसे नहीं यूज़ करेंगे। ओके, हमने देखो इस टाइप के हम वायर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जिसकी क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है, ये जल्दी से टूटते नहीं है, और ये वाले लोकल जो होते हैं ये जल्दी से सोल्डर इसका निकल जाता है, ठीक है, हम ये नहीं यूज़ करेंगे। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे हमने कुछ इस टाइप के जो हमारे जो रेगुलर जो ड्यूल होते हैं ये हमने यहाँ पे इसे सोल्डरिंग कर लिया है। ओके, अब देखो पहले जो यहाँ इसमें जो इस एम्पलीफायर में कुछ इस टाइप के जो ड्यूल इसमें लगे होते हैं, इसमें लगे थे ये वाले, ठीक है, ये इसे पीसीबी माउंटिंग ड्यूल हम इसे बोलते हैं। इसका कनेक्शन थोड़ा सा अलग होता है, अगर आपको इसका कनेक्शन अगर जानना है तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइए, मैं इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी आपको सब क्लियर आपको बता दूंगा। ओके, उसके लिए एक अलग सा वीडियो मैं आपको बना दूंगा। फिलहाल तो हम ये वाले पोटेंशियोमीटर, या फिर आप ड्यूल इसे बोल सकते हो। दोस्तों इसे ड्यूल क्यों बोलते हैं, देखो आपने कुछ एम्पलीफायर में कुछ इस टाइप का पोटेंशियोमीटर आपने देखा होगा, ठीक है, तो इसमें एक सिंगल चैनल होता है इसलिए इसे हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, और इसमें ड्यूअल चैनल होते हैं। ओके, तो इसे आपको 6 पिन यहाँ पे मिल जाती है, इसलिए हम इसे ड्यूअल हम बोलते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हम देखो वॉल्यूम के लिए हम हमेशा 47K का जो ड्यूअल होता है हम वही यूज़ करते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन यहाँ पे फिलहाल मेरे पास 47K के यहाँ पे दो ड्यूअल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और एक मेरे पास 100K का यहाँ पे एक ड्यूअल है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं 47K का, और बेस ट्रेबल के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, 47 भी चल जाएगा, या फिर आप 100 यूज़ कीजिए, ठीक है, ज़्यादातर 100 ही यूज़ किया होता है बेस ट्रेबल के लिए, लेकिन 47 भी यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब लेकिन वॉल्यूम को आपको 47K का ही यूज़ करना है। तो चलिए अभी हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहले से वायरिंग यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिए है। ओके, तो हम पहले वॉल्यूम का जो ड्यूल है हम पहले उसे कनेक्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 3 वायर एक साइड में यहाँ पे लगा दिए है हमने, सोल्डर कर दिए है, और ये 3 वायर एक साइड में। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 2 चैनल अभी हो चुके हैं इस प्रकार से, ठीक है। अभी ये हमारा स्टीरियो बोर्ड है, यानी इसमें 2 IC लगे हैं, तो दोनों IC का जो वॉल्यूम कंट्रोल है ये इसी से हो जाना चाहिए, इसलिए हम इसे ड्यूअल बोलते हैं, और इसलिए हम ये ड्यूअल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब दोस्तों कुछ एम्पलीफायर में आपने देखा होगा कि उसे कई सारे वॉल्यूम यानी कंट्रोलर जो हमारे नॉब जो होते हैं कई सारे लगे होते हैं, तो
तो उसमें सिंगल चैनल के यूज़ की होते हैं, इसलिए उसमें कई सारे आपको बटन मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी वैसा करना चाहते हो तो आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन हम कार स्टीरियो एक ऑडियो एम्पलीफायर बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी कम जगह होती है, उसके लिए हम यहाँ पे ड्यूल ही यूज़ करेंगे और ज़्यादातर ड्यूल ही यूज़ किए होते हैं। तो चलिए अभी हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों अभी हम इस ड्यूल को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जहाँ पर ये वॉल्यूम लिखा है। ठीक है, हम यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसका कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। देखो हम पहले इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, देखो ये जो इसके सेंटर के जो दो पिन होते हैं ये हम इनपुट पे देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ऑडियो एम्पलीफायर जहाँ पर आवाज़ हमें जहाँ पर आवाज़ हमें देना है वहाँ पे हमें ये सेंटर के दो पिन हमें वहाँ पे लगाने होंगे। तो दोस्तों ये ऑडियो एम्पलीफायर तो उसका कनेक्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये दो पिन आपको ऑडियो एम्पलीफायर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो सेंटर के जो दो पिन हैं उसे हम वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो सेंटर वाला ब्राउन और ग्रे कलर का वायर है तो उसे हम वहाँ पे सोल्डर कर देते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी सेंटर वाला अभी लग चुका है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो लास्ट के जो दो पिन हैं यहाँ पे ये साइड की, हम इसे इस प्रकार से हम इसे लगाएंगे ड्यूल को। तो यहाँ पे जो लास्ट की जो जो यहाँ पे दो पिन हैं फ्रेंड्स, ये वाली ब्लैक और वॉलेट कलर का जो वायर लगा है तो इसे हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन कौन सा है फ्रेंड्स, ये वाला। ठीक है, ये ग्राउंड है तो यहीं पे हम दोनों पिन लगा देंगे, यानी वॉयलेट और हमारा ब्लैक कलर का। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों जो बेस टेबल कंट्रोल का जो यहाँ से फिल्टर होके जो हमें आवाज़ मिलने वाला है वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पे देना है देखो, इसे हम इसे लगाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे हमें इसका ऑडियो इनपुट देना होता है, यानी रेड और ग्रे कलर का, सॉरी रेड और वाइट कलर का जो वायर है उसमें। ठीक है, यहीं पर हमें बेस टेबल से जो आवाज़ फिल्टर होके आ रहा है ये हमें वहीं पर इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये कार्ड को चला जाएगा और ये दोनों दो पिने इसके ग्राउंड हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम इसे यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा वॉल्यूम का जो ड्यूल है वो अच्छे से यहाँ पे लग चुका है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हमें ये भी हमें लगा देने हैं बेस ट्रेबल के। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने ये बेस के लिए ये ड्यूल हमने यहाँ पे लगा दिए है। ओके, इसका भी बहुत ही सिंपल है, देखो इसके भी यहाँ पे छः पिन हैं, तो ये वाला एक अलग एक आईसी के लिए काम करेगा, यानी एक सेक्शन के लिए काम करेगा, और ये वाला एक सेक्शन के लिए काम करेगा। तो देखो यहाँ पे हमने दो चैनल इसके बना लिए हैं। अब देखो ये हमने तीन वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए है बेस के जहाँ पे बेस लिखा है, और तीन वायर हमने ये साइड में कनेक्ट कर दिए है जहाँ पे बेस लिखा है। ठीक है, तो इसी से हमारा बेस यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। अब दोस्तों उसी प्रकार से सेम हमें ट्रेबल का भी हमें यहाँ पे लगाना है। देखो बहुत ही सिंपल है, इसका दो कनेक्शन हमें सेपरेट करना होगा, दो सेक्शन, और ये भी हम सोल्डर कर देंगे। अब दोस्तों अगर इसका डायरेक्शन अगर कभी चेंज हो जाएगा तो उसका भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, यानी देखो कभी कभी क्या प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स, आपने भी ये प्रॉब्लम कभी फेस किया होगा, या फिर आप अभी अगर ये वायरिंग आप करते हो इस टाइप से तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों होता क्या है कि हम सोल्डर तो इसे कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जब हम आवाज़ को बढ़ाने जाते हैं, यानी जब हम नॉब को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आवाज़ कम होने लगता है, और जब हम नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आवाज़ बढ़ने लगता है, यानी वो उल्टा काम करने लगता है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम आपने कभी फेस किया होगा या फिर आप अभी फेस कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूर काम आएगा। तो दोस्तों उस केस में आपको क्या करना है, बस आपको ये जो वायर होते हैं ये वाले वायर, ये सेंटर का वायर को आपको कुछ नहीं करना, बस ये वायर निकाल के ये साइड कर दीजिए और ये वाला वायर निकाल के आप ये साइड कर दीजिए, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से इसका भी आपको कर देना है। ठीक है, अगर वैसा प्रॉब्लम आए तो आप वैसा चेंज कीजिए, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने सारा यहाँ पे कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों इसे हमें टेस्ट करना है, तो हमें एक ब्लूटूथ कार्ड यहाँ पे
ये टाइप वाला जो ब्लूटूथ कार्ड जो आता है ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस एम्पलीफायर के लिए। तो इसी से हम इसे टेस्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इसे 5 वोल्ट यहाँ पे इसे इनपुट देना पड़ता है, तभी ऑपरेट हो जाता है और जैसे इसका जो वॉल्यूम है यानी आउटपुट ये आपको यहाँ से सिग्नल मिल जाएगा लेफ्ट और राइट चैनल के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसे 5 वोल्ट अभी हमें यहाँ पे देना होगा, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट हमें इस कार्ड में मिल जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये वाला जो आप हीट सिंक देख रहे हो इसमें एक आईसी लगा होता है 7805, ठीक है, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है। तो दोस्तों इसी से हमें आउटपुट लेना पड़ता है, ओके। तो इसका पिन आउट देखो कैसा रहता है फ्रेंड्स, अगर देखो अभी ये आईसी ए से लगा है, ठीक है, तो ये साइड में देखो तो फ्रेंड्स इसे 3 पिन होते हैं। तो जो फर्स्ट पिन जो है फ्रेंड्स, ये इसका आपका 12 वोल्ट इनपुट यानी 12 वोल्ट इनपुट आपको फर्स्ट पिन से देना है। फिर सेकंड जो होता है इसका सेंटर वाला पिन, वो उसका ग्राउंड होता है, और ये साइड का जो होता है लेफ्ट साइड का यानी ये साइड का राइट साइड का, तो ये इसका आउटपुट पिन होता है, ठीक है। पहला 12 वोल्ट आपका इनपुट, फिर सेंटर वाला ग्राउंड, फिर ये साइड वाला आपका 3 नंबर का पिन जो है ये इसका आउटपुट होता है, ओके। तो हमें वहीं पर हमें इसका कनेक्शन लगाना पड़ेगा, ओके। तो मैं चलो अभी मैं पहले वहाँ पर इसे सोल्डर कर देता हूँ। तो दोस्तों पहले आपको यहाँ पर देख लेना है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इस पर लिखा होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पर सब कुछ इसका लिखा है, ठीक है, यहाँ पर इसका लिखा है। देखो पहला 5 वोल्ट यहाँ पे लिखा है, 5 वोल्ट ये प्लस हो गया, फिर उसके बाद में ये जी एन डी यानी ग्राउंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसका कनेक्शन यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसे अगर आप इसे लगाते हो ए साइड में, इसे लगाते हो तो देख लीजिए कौन सी वायर ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे सोल्डर करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अभी यहाँ पे लग चुका है, ओके। देखो ये नेगेटिव सेंटर वाले पिन से आ रहा है और ये वाला जो 3 नंबर का पिन है यहाँ से इसका 5 वोल्ट आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा, बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ से कार्ड हमारा ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन हमें पहले चेक कर लेना है ये आईसी ठीक है कि नहीं, ओके। वो कैसे चेक करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ बाद में। अब दोस्तों इसका यहाँ से हमें सिग्नल आउटपुट मिलेगा, तो ये पिन भी हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो दोस्तों इसका ऑडियो इनपुट कहाँ पे है देखिए, यहाँ पर इसका ऑडियो इनपुट है, ठीक है। ये दो रजिस्टर्स में से यहाँ पे इसे ऑडियो इनपुट देना पड़ता है, तो हम यहीं पे इसका ऑडियो इनपुट दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसका भी कनेक्शन लिखा होता है, जो हमारा ब्लूटूथ कार्ड जो होता है उसके ऊपर। देखिए आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए ये जो पहले वाला जो पिन है L इसका आउटपुट, ठीक है, यानी लेफ्ट आउटपुट, उसके बाद में सेंटर वाला इसका ग्राउंड होता है, और ये आर ओ लिखा है यानी राइट साइड आउटपुट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से आपको ये वायर हेप सोल्डर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ग्राउंड नहीं भी लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस सेंटर वाला जो पिन है फ्रेंड्स ये वाला, ये ग्राउंड आप यहाँ पे नहीं भी सोल्डर किए तो भी चलेगा, क्योंकि ये ग्राउंड यहाँ से ले लेता है जहाँ पर इसका वीसीसी होता है वहाँ से, ओके। अगर ये लगाओगे तो थोड़ा सा नॉइस यहाँ पे आपको मिल सकता है, इसलिए फिलहाल तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों ये इस कार्ड के वीसीसी वायर है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसे मैं अभी 12 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, और हम पहले यहाँ पे रेगुलेटर को चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब मल्टीमीटर को से हमें यहाँ पे चेक कर लेना पड़ेगा पहले। तो दोस्तों मल्टीमीटर को आप डीसी मोड में यहाँ पर सेट कर लीजिए। अगर दोस्तों मल्टीमीटर चलाना नहीं आता तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों रेगुलेटर हमारे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। चलिए अभी मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ग्राउंड आप कहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहीं पे चेक कर लीजिए, हमारा ग्राउंड सेंटर वाला होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, ओके, ये हमारा 5 वोल्ट और ये हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट, ओके। इस प्रकार से यहाँ पे वोल्टेज बराबर प्रॉपर तरीके से इसका रेगुलेटर काम कराए, यानी अभी हम कार्ड को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये दो स्पीकर मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। ये व्हाइट कलर की जो वायर है इसके स्पीकर का आउटपुट होता है,
ठीक है। तो इसी हमने ये दो स्पीकर यहाँ पे लगा दिए फिलहाल टेस्टिंग के लिए। अब दोस्तों कार्ड को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, इसे लगाना बहुत ही आसान है। ओके, ये भी इसका वॉल्यूम और यहाँ पे इसका VCC, ठीक है। अभी इस प्रकार से यहाँ पे लग चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे ऑन करके देखते हैं। अभी मैं ऑन करता हूँ। FM mode. ओके। तो दोस्तों इसका ब्लूटूथ मोड अभी यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो दोस्तों मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है अपने फ़ोन के साथ, ठीक है। यहाँ पे देख सकती हूँ ये कनेक्टेड दिखा रहा है BT, ठीक है, ये इसका नंबर है। तो इसे कनेक्टेड अभी ये हो चुका है। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर के जो IC है वो ठीक है, इसलिए ये दोनों स्पीकर में आवाज़ तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा हमिंग आ रहा है। लेकिन देखो जैसे मैं यहाँ पे ग्राउंड से दे रहा हूँ तो ये थोड़ा सा क्लियर साउंड यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों मैं एक म्यूज़िक यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ और जिसका IC यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। आई थिंक दोनों IC यहाँ पे ओके है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों स्पीकर का आउटपुट हमें मिल रहा है, यानी दोनों IC इसका ओके है, IC चेंज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब दोस्तों हमें यहाँ पे हमने जो यहाँ पे जो हमारे जो ड्यूअल लगा है वॉल्यूम बेस्ड ट्रेबल कंट्रोल के, इसे हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा नॉइज़ कर रहा है क्योंकि मेरा पावर सप्लाई का थोड़ा प्रॉब्लम है ये। अब देखिए दोस्तों ये जो वॉल्यूम का जो डुअल है ये उल्टा काम कर रहा है, यानी जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो ये कम हो रहा है और जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमें कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ओके, इसका कनेक्शन कैसे चेंज करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों ये वाला हमारा एक बेस ट्रेबल का हो सकता है, दोस्तों इसका भी कनेक्शन यहाँ पे उल्टा हो चुका है। ओके, जैसे हम कम कर रहे हैं तो एक स्पीकर का यहाँ पे बेस इंक्रीज हो रहा है और एक स्पीकर का बेस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ओके, और जैसे मैं इसे बढ़ाता हूँ तो ये स्पीकर का यहाँ पे बेस बढ़ जा रहा है और इसका कम हो जा रहा है। तो इसका भी कनेक्शन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज करना है। अब दोस्तों ये हमारा ट्रेबल, तो दोस्तों इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से इसका यहाँ पे ट्रिबल तो बढ़ रहा है, ओके, लेकिन एक इसमें ट्रिबल नहीं आ रहा है, यानी इसका भी कनेक्शन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसका भी कनेक्शन हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रिंटिंग में यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है। दोस्तों आई थिंक ये साइड का इसका ट्रिबल होगा और ये साइड का इसका यहाँ पे बेस होगा, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हमें चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल जो है ये इसका उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। यानी जैसे हम आवाज़ को बढ़ाते हैं और ये आवाज़ जैसे हम बढ़ाते हैं इस साइड क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो यहाँ पे आवाज़ इसका कम हो जाता है, और जैसे हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसका आवाज़ ये बढ़ने लगता है। तो ये प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, देखो इसका यहाँ पे वायरिंग हमें चेंज करना है। चलिए अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ हमें क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये साइड जो ये दोनों जो वायर है फ्रेंड्स, ये वाली ब्लैक और वॉयलेट, इन दोनों वायर को यहाँ से निकाल के ये साइड में हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यानी ये ब्लैक वाली वायर यहाँ से निकाल के हम यहाँ पे सोल्डर कर देंगे और ये वाला निकाल के हम यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम वैसे करेंगे, वाइट को निकाल के वॉलेट की जगह पे लगा देंगे और ये वाला वाइट की जगह पे लगा देंगे, ठीक है। ये हम पहले चेंजेस यहाँ पे कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ अभी।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसे चीज़ इसका चेंजेस मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके यानी अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए अब देखिए दोस्तों ये जो है ये वाले साइड ये अभी ग्राउंड हो चुके हैं। देखिए रेड और वाइट वायर हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिए है क्योंकि ये ग्राउंड कनेक्शन है। ठीक है, ये ग्राउंड हो गए। अब सेंटर का जो है दोनों वायर ब्राउन और ग्रे कलर का वायर ये अभी इस एम्पलीफायर को यहाँ पे इनपुट जा रही है। देखिए यहाँ पे ये दोनों कनेक्शन यहाँ पे एम्पलीफायर को इनपुट जा रही है। ठीक है, और ये लास्ट के जो है फ्रेंड्स ये दोनों, तो ये इसका यहाँ से जो बेस टेबल जो फिल्टर होके आ रहा है तो ये वॉयलेट और रेड वायर वॉयलेट और ब्लैक वायर से यहाँ पर आ रहा है। ओके, इस प्रकार से इसका कनेक्शन अभी हो चुका है। अभी ये राइट तरीके से यहाँ पे काम करेगा। जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और हम कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों उसी प्रकार से हमें इन दोनों का भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो दोस्तों उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे इसका चेंजेस कर दिया है जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल के लिए जैसे हमने किया था ये वाला वॉल्यूम कंट्रोल के लिए, बिल्कुल वैसे ही चेंज आपको इस प्रकार से अगर इसमें बेस टेबल में अगर प्रॉब्लम आता है तो उसमें वैसे ही प्रकार से आपको चेंज करना है। कैसे, सेंटर वायर को आपको कुछ नहीं करना, बस ये वायर आप निकाल के यहाँ पे लगा दीजिए और ये वाला यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों बॉडी के लिए हम यही इसका पुराना वाला बॉडी हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसका टॉप कवर इसे ही इसमें यहाँ पे फिट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक सामने एक यहाँ पे एक पीवीसी का सीट में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ये पीवीसी पाइप का सीट आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेंड कर लिया है और यहाँ पे मैं इसे स्क्रू से टाइट कर दूंगा और मैं इसे फेविक से भी यहाँ पे चिपका देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लग जाएगा और ये ऊपर से आपका ये टॉप कवर भी यहाँ से ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका लुक ये सामने से इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये ब्लूटूथ कार्ड हमें यहाँ पे लगाना है। ओके, तो ये ब्लूटूथ कार्ड हमें यहाँ पे लगाना है और साथ में हमें वॉल्यूम कंट्रोल की भी यानी ये नॉब हमें वहाँ पे लगाने होंगे क्योंकि पोटेंशियोमीटर को ड्यूल को हमें ये लगाने होंगे। ठीक है, तो ये भी हमें तीन यहाँ पे नॉब हमें लगाने हैं। साथ में एक ऑन ऑफ स्विच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप कोई भी ESP/ST स्विच आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों साथ में हम एक इंडिकेटर भी यहाँ पे लगा देंगे। अब आप कोई भी LED यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं 3mm का एक यहाँ पे LED यूज़ कर रहा हूँ और जिसे मैंने यहाँ पे 1K का एक रजिस्टर मैंने यहाँ पे इस सीरीज में लगा दिया है। आप कोई भी पिन को आप 1K का एक रजिस्टर यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, तो एज ए इंडिकेटर ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पहले इसे मैं सब कुछ होल्ड कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी सपोज मैं अगर ये साइड में यहाँ पे अगर ब्लूटूथ कार्ड में यहाँ पे लगाता हूँ तो ये साइड में ये तीनों बटन हमें यहाँ पे लगाने होंगे। और सपोज अगर ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो इसे मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसे डिज़ाइन बना सकते हो। चलिए अब मैं फिलहाल यहाँ पे जल्दी से होल्ड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये बॉडी अभी कंप्लीट यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, और इसे मैंने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे स्क्रू पिन लगा दिए है दोनों साइड में। ये भी फिट हो चुका है और यहाँ पे मैंने फेविक से चिपका दिया है यहाँ पर। ओके, अंदर की साइड से। अब दोस्तों सब वो इक्विपमेंट्स यानी सब यहाँ पे ब्लूटूथ कार्ड वगैरह स्विच वगैरह वो अभी हम सब कुछ यहाँ पे इसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से एम्पलीफायर अभी कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ये स्विच को चेंज कर दिया है क्योंकि ये वाला स्विच यहाँ पे ख़राब था, इसलिए इसे चेंज करना पड़ा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे जो ये जो नॉब है ये हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं बेस टेबल कंट्रोल के लिए। देखो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देख के बस इसे ऐसे लगा देना है, ये आसानी से लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप बना सकते हो। अभी चलिए अभी मैं आपको इसका टेस्टिंग भी अभी करवाता हूँ कि ये कितना बड़ा तक स्पीकर ये चला सकता है। मैं आपको बड़ा स्पीकर इस पे चला के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस पे 8 इंच के दो स्पीकर आप आराम से चला सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी आपको दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसका टेस्टिंग करते हैं। हमने यहाँ पे 8 इंच स्पीकर इसे लगा दिया है। ठीक है, हम पहले एक साइड का चैनल हम पहले चेक करते हैं फिर दूसरा वाला हम चेक करेंगे। Go
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए जैसे ऑडियो एम्पलीफायर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टू व्हीलर फोर व्हीलर का मॉडिफिकेशन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।